हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल एआई कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने शामिल हो गया हूँ। खासकर मेरे जितने भी फ्रेशर भाई लोग जिनका भी ट्रेनिंग हो रहा, आप लोग को अब जो है जॉब की जरूरत पड़ेगी, तो जॉब ऐसे मिलेगी नहीं बिल्कुल जो सोचते आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, कंपनियों में जाना पड़ेगा, रिज्यूम देना पड़ेगा। कुछ जगह पे अगर वैकेंसी रहेगी तो वहां पे आपका पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि आजकल क्या है, जॉब कम है और स्टूडेंट ज्यादा है जॉब करने वाले, समझ रहे। तो इस हिसाब से हमको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, मतलब जहां पे वैकेंसी है उस जगह पे वो मौका को किसी को छोड़ना नहीं है। तो इसी सब के लिए मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इंडिया के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो पूछे गए क्वेश्चन है, हमारे फ्रेंड आज ही गए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं सोचा कि चलो मैं आपके फ्रेंड लोग के लिए भी शेयर एक वीडियो बनाता हूँ, शेयर करें ताकि उन लोग को भी नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस जो होता वो सही होना चाहिए। सेकेंड क्या है, जब आपको परमिशन मिलेगा, जब इंटरव्यूअर जो आपके सामने रहेंगे, जब आप गेट के अंदर आएंगे, इनका मे आई कमिंग सर बोल करके या जो भी आपको जिस तरह से, तो वो बोलेगा कमिंग, फिर आप आ जाएंगे, तो सडनली आप क्या है चेयर पे बैठ मत जाइएगा बिना उनके परमिशन के, या आपको पूछना है मे आई सिट ऑन सर, ऐसा कुछ बोलकर जब वो परमिशन देंगे तब आपको बैठना। उसके बाद इंटरव्यूअर के आंखों में आंखें मिला करके बात कीजिएगा, थोड़ा सा आंख थोड़ा नीचे होना चाहिए आपका, ज्यादा भी नहीं। और मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपको इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना, या हाथ उठ खुजलाना नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई अभी सर बता रहे हैं, सर सर एक मिनट रुक जाइए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा मोमेंट आपके सामने आता है तो आप उसी टाइम रिजेक्ट हो जाइएगा। तो ये सारी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं पहले। अब मैं आपको देखिए जो पूछे गए क्वेश्चन है वो बताता हूं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, चलो बताओ एक M³ में कितना ब्रिक लगेगा, एक M³ एरिया जो रहता है उसमें कितना नंबर्स ऑफ ब्रिक लगेगा। तो आपको मैं बताता हूं कि देखिए 490 to 500 स्टैंडर्ड इसको लेकर के चलना, मतलब 490 से लेके 500 ब्रिक्स जो आपका लगता। दूसरा देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक M³ में कितना सैंड, कितना सीमेंट, कितना एग्रीगेट और कितना वाटर लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो सीमेंट लगेगा एक M³ में वो कितना 403 kg लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा 1302 kg लगेगा, वाटर कितना लगेगा 240 kg लगेगा। उसके बाद आ जाइए सैंड, तो सैंड कितना 706 kg लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताया हूं। अब बोला जाएगा कि एक M³ का वेट कितना होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 2400 से लेकर के 2450 केजी इतना एक M³ का वेट होता है। अब जैसे कि ग्रेड वाइज अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा 50-100 का आगे पीछे जो है उसका वेट होगा। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं कि 2400 से लेकर 2450 केजी जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड वेट है एक एम क्यू एरिया में, जो आपका एग्रीगेट कॉन्क्रीट जो आपका बन के रेडी रहता है उसका वेट मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए दोस्तों, जो एक और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो लैंडिंग होता है स्टेयर केस का, उसका जो है साइज कितना रहता है। तो दोस्तों जो स्टेयर केस का जो स्टैंडर्ड साइज होता है लैंडिंग का, जिसपे हम लोग मतलब सीढ़ी पे चढ़ करके जो लैंडिंग है जहां पे रुकते हैं हम लोग रेस्ट करते हैं, वहां पे का 3 feet by 3 feet, मतलब 3 feet लंबा रहेगा, 3 feet चौड़ा रहेगा, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर लाइन मेथड और ग्रिड लाइन मेथड में क्या फर्क है। तो दोस्तों जान लीजिए, सेंटर लाइन मेथड जो होता है, जो किसी भी स्ट्रक्चर ड्राइंग को आप ले लीजिएगा, जैसे कॉलम का ले लीजिए, स्लैब का कॉलम का ले लीजिए और बीम का ले लीजिए। तो दोस्तों जैसे कॉलम आ गया, कॉलम जैसे 900 विड्थ का है, तो सेंटर लाइन में ड्राइंग में देखे दिया रहेगा कि जब सेंटर, मतलब ये देखिए जैसे ये कॉलम है तो इसके सेंटर से लाइन क्रॉस कर रहा होगा, जैसे 900 का ये कॉलम है आपका, तो 450 और 450 आएगा ना, तो उसके बीच से एक लाइन क्रॉस करके जाएगा। इसी तरह बीम ले लीजिए, बीम आपका 600 का विड्थ आता है, 300 का, 400 का, 250 का, जैसा विड्थ रहता है तो उसके सेंटर से जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर लाइन मेथड। उसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि जो सेंटर लाइन मेथड से जो हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत इजी होता है, जैसे इनर टू इनर का मेजरमेंट निकालना है तो हम आराम से इनर टू इनर लेना है, तो कैसे ले लेंगे, जो भी कॉलम का साइज रहेगा
वो साइज को जो हाफ रहेगा हाफ ऑफ करके माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद उसका लेंथ दिया ही रहता है कॉलम तक का, तो उसको जब माइनस कर देंगे आप तो इनर का फेस निकल जाएगा। अब आपको आउटर का लेना है तो जो भी कॉलम का साइज जैसे 900 का ही है तो 450 ऐड कर दीजिएगा दोनों में, तो उसका आउटर साइज का आपको निकल जाएगा। तो ये सेंटर लाइन मेथड का जो इजी होता है, और ग्रिड लाइन मेथड में क्या होता ना कि एक ही कॉलम के पास से 3-4-5 ग्रिड क्रॉस करता है, तो कॉलम से सटा हुआ कौन सा ग्रिड है और दोनों देख लीजिएगा, जो कॉलम से सटा हुआ ग्रिड है उसको क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको कॉलम तक पहुंचना पड़ेगा, तो ग्रिड में क्या है ना एग्जैक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। पर एक ग्रिड लाइन थोड़ा सा ग्रिड लाइन मेथड जो थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है, इसलिए सेंटर लाइन मेथड जो ये आपको बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया और चेन्नई और हैदराबाद की तरफ जो है सेंटर लाइन मेथड के ड्राइंग ज्यादा यूज होता, अपने बिहार में जो ग्रिड लाइन मेथड का ड्राइंग ज्यादा यूज होता। तो इसको क्या है, सेंटर लाइन मेथड तो इजी होता और ग्रिड लाइन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तो आप लोग भी सीखने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन भी पूछा गया इंटरव्यू में। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, वो है टाइप्स ऑफ बीम, बीम कितने तरह के होते हैं। तो जनरली लोग को 2-3 का नाम याद रहेगा, पर जो बीम जो होते हैं वो टोटल हमारे कितने हैं, 6 तरह के होते हैं। नंबर एक ले लीजिए, कैंटिलीवर बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, ओवरहैंगिंग बीम होगा, कंटिन्यूस बीम होता है, फिक्स्ड इंडेड होता है और कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड। दोस्तों दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि प्रोसेस ऑफ ब्रिक वर्क, मतलब ब्रिक वर्क जो हम लोग जो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं वो कैसे करते हैं, तो वो मैं सब कुछ अभी आपको बताने वाला हूं। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या है, जिस जगह पे ब्रिक वर्क करना उस जगह को पहले पूरी अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद क्या है उसको अच्छे से पानी से क्यूरिंग करके उसको धो देना है, साफ कर लेना है जगह को। उसके बाद आपको क्या लेआउट करना है, लेआउट कैसे करेंगे तो ड्राइंग रहता है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोग लेआउट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग को बीम, बीम से प्लम्बअप को गिरा करके और जिस फेस में ड्राइंग बता रहा है कि कॉलम के अंदर फेस में है या कॉलम के बाहर फेस में है, तो वहां बीम से हम लोग क्या करें प्लम्बअप को गिरा के उसको देख लेंगे, वो मतलब कि वो सही है प्लम्बअप पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, कितना अंदर बाहर हो रहा है, तो उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो ब्रिक वर्क जो हमारा काम जो होगा वो जो है पूरा नीचे से ऊपर तक एकदम सेम एक लेवल में होना चाहिए। तो इसके बाद हमको क्या करना है, ये सारा कुछ उसके बाद क्या, ब्रिक वर्क का जो हम लोग मोर्टार बनाते हैं वो इसका क्या रेशियो जो रहेगा वो 1:4 रहेगा, एक बैग सीमेंट रहेगा, 4 बैग क्या सैंड रहेगा। उसके बाद वाटर जो हम लोग मिक्स करेंगे वो रेशियो देख लेंगे, उस मतलब ज्यादा जो मोर्टार वो गीला भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना, ब्रिक वर्क मतलब दो ब्रिक के बीच का जो गैप रहेगा वो 10 mm का रहेगा, 10 से 12 mm, वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद आ जाइए, जब ब्रिक वर्क हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 4 feet उठा करके हम लोग छोड़ देते हैं फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद क्या शाम हो अगर मॉर्निंग में काम कर रहे हैं तो इवनिंग में क्या उसको क्यूरिंग कर देना, नेक्स्ट डे आना उसमें क्यूरिंग कर देना। उसके बाद जो सेकेंड लेयर हम लोग उठाएंगे 4 feet के बाद से, उसके बाद सीधा बीम में टच करते हैं। तो इसको एक ही बार में ऐसा नहीं कि फ्लोर से उठा करके बीम में टच करेंगे, वो भी ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल आप लोग बताएंगे। ये हो गया, उसके बाद क्या है इसको क्यूरिंग मिनिमम कितना है, 7 days आपको क्यूरिंग करना ही करना है ब्रिक वर्क होने के बाद उस पर। और जब ज्यादा हॉट मतलब गर्मी का ज्यादा मौसम रहेगा, जून जुलाई का रहेगा अगर मौसम, तो उसमें क्या 14 days 15 days भी आप लोग करेंगे, क्योंकि उसमें क्या स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसका। तो ये जो प्रोसेस है ये ब्रिक वर्क करने का प्रोसेस है। अब आइए सेंट्रॉइड क्या, व्हाट इज सेंट्रॉइड, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रॉइड हम लोग उसे कहते हैं किसी भी सरफेस का, किसी भी मतलब मान लीजिए कि अगर कॉलम है तो कॉलम का जो सेंटर होगा, जो कॉलम का साइज मान लीजिए 3 meter का कॉलम है तो 1.5 meter टॉप से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए 1.5 meter जाएंगे तो उसके सेंटर पॉइंट पे वहां उस जगह जो सेंटर रहेगा जिस जगह का, या शटरिंग कर रहे हैं हम लोग स्लैब है तो स्लैब का जो एरिया है उसका सेंटर वहां उस जगह को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, मतलब किसी भी पार्टिकल के सेंटर पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। उस जगह पे लोड पड़ता है, वहां से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे में, वहां इक्वल रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जहां पे मांगा जा रहा वहां पे नहीं रहा तो क्या है उसको क्लैप्स करने का चांसेस ज्यादा रहता है, चाहे वो बीम हो जाए, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो कॉलम हो, कोई भी ऐसा जगह हो।
तो ये हो गया। अब अजय एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में। तो दोस्तों देख लीजिए, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड जो हम लोग बीम में करते हैं उसका जो रीजन होता है, जैसे कि मेन बार एक हो गया, एक टॉप का हो गया, एक बॉटम का स्टील हो गया, और जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या है, टेंशन, मतलब जो टेंशन जोन हमारा था, जो टेंशन पड़ता है हमारा, तो उस टेंशन को जीरो जीरो करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग दिमाग में डाल लें। और देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो भी सारी हमारी वीडियो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग फेयर कर लें और उसको एक दो बार रिवाइज करें। जितने भी मेरे भाई लोग आप लोग जो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने भाई तक पहुंचाइए। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, हमारे एक फ्रेंड्स है वो आप लोग को बताएंगे, वो आप लोग को सीमेंट से रिलेटेड, ओपीसी पीपीसी से रिलेटेड वो वीडियो पे आएंगे, और भी कुछ क्यूरिंग का है वो सारे कुछ टॉपिक पे वो बताने वाले हैं। तो वो वीडियो जो हमारी वो परसों आने वाली है, तो मैं यही कह रहा हूँ जो लोग नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी। क्योंकि अभी जो मेरी जो वीडियो आ रही है वो सिर्फ इसी टॉपिक पर, क्योंकि अब जो है वो सारे लोगों का अभी क्या है, वाइवा चल रहा है, प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है। अभी जो हमारे जो फ्रेशर भाई लोग, तो उन लोग का ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने वाला है। तो अब इन लोग का क्या है ना, अब इन लोग जॉब के लिए जाएंगे, जिन कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, तो वैसे जो स्टूडेंट हमारे हैं वो सब क्या करेंगे, जॉब खोजने के निकलेंगे। तो जानते हैं कि आज के लिए इंजीनियर ज्यादा हैं और वैकेंसीज कम है, जॉब कम है, तो बहुत ही क्राउड वाला मोमेंट है वहां पे। तो उस टाइम आपको बेस्ट देना, तो आपके पास वो 100% नॉलेज होना चाहिए, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको मिस नहीं करना। तो इसके लिए आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको आप शेयर करें, हमारी पहले की वीडियो सब जाकर देख लें, सेपरेट सेपरेट पाइल से लेकर के स्ट्रक्चर, स्लैब, बीम, कॉलम, क्यूरिंग, सेंटरिंग, शटरिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, पेंटिंग, ये सारी वीडियो हमारी आई हुई है। इंटरव्यूज में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे भी आपको थ्योरी में लिखा हुआ रिटर्न मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज आप लोग जा करके, भाई मेरे, आप लोग जाकर वहां पे से फेयर करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कोई इंटरव्यूअर पूछे तो आप उसमें हिचकिचाए नहीं, रुके नहीं, आराम से इजली वे में आराम से आप लोग उसका आंसर दे सके। इतना कंफर्ट आपको रहना है इंटरव्यू देते सब वक्त। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू तक देखिएगा, शुरू से आखिर तक देखिएगा, तभी सबको समझ आएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, आप लोगों ने जो प्यार दिया है काफी अच्छा रिस्पांस आया है, तो जिस वजह से हमारा क्या है जो क्राइटेरिया था यूट्यूब का, वो हमारा सब्सक्राइबर वाला भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो 4000 जो वॉचिंग आवर था वो भी 2000 क्रॉस कर गया है। तो आप सभी का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत कम टाइम में मुझे बहुत कुछ मिल रहा, तो आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें, आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।